स्वागत है दोस्तों आपका फिलिप पर्पल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम अपनी बाइक का टायर डलवाने के लिए जा रहे हैं। नया टायर, आगे का टायर है तो एकदम फिट है, आप देख सकते हो। तो आगे भी बजा जाके नया डलवाएंगे तो आपको दिखाएंगे आगे भी। देख सकते हो यहाँ पे टायर एकदम, यहाँ पे एक गड्ढा भी हो गया एक दिन, क्या ना कील डल गई थी, यहाँ से कील चली गई थी, और पंक्चर भी हो गया, टोप भी डलवाया था उस दिन। और आज देखो ये टायर एकदम, मतलब ऊपर से ये धारी जो होती है बनी हुई, जो ऐसे डिजाइन बनी होती है, वो सारी की सारी मिल गई है। टायर एकदम गिर गया तो आज हम नया डलवाएंगे। आगे चलते हैं दुकान पर, देखेंगे क्या कैसा करना है। भाई महेंद्र साहब आ चुके हैं अभी, और मैं और महेंद्र जाएंगे बाइक का टायर डलवाने के लिए। ये भाई आ गया है, अभी हम पहुंच चुके दुकान में। और महेंद्र भाई साहब यहाँ पे अपने बाल वाल सही कर रहे हैं और मूंछों को ताव दे रहे हैं, तो बड़े ही हैंडसम है हमारे भाई साहब। तो यहाँ पे दुकान पे पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे टायर डलवाएंगे। तो महेंद्र भाई साहब रेडी हो रहे हैं टायर को देखने के लिए, कैसा टायर डलवाएंगे। और ये हमारे चाचा जी का लड़का मूलचंद नाम है इसका, तो ये बाइक को खड़ी कर दी और ये इसको अभी टायर डालेंगे। तो ये पीछे पत्थर रख रहा है क्योंकि आगे से झुक रही है, तो आगे से उठी हुई रहेगी तो आगे का टायर डालना है। तो टायर हमारा खोल रहे हैं अभी, सारे रिंग को निकालना पड़ेगा व्हील को और टायर को डालेंगे। तो देखते हैं ये टायर पड़े हैं, ये वाला हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। और ये कौन सी कंपनी का है, TVS का टायर है, तो TVS का टायर अच्छा होता है, तो TVS का टायर ही डालेंगे। ट्यूबलेस टायर है तो ट्यूबलेस टायर अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा रोड पे ही चलना है, तो रोड के लिए तो ये ट्यूबलेस टायर अच्छा होता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे डिजाइंस बनी हुई हैं, ये मस्त लगती है, आजकल ऐसी होती हैं। तो ये हमारा टायर खुल के आ चुका है यहाँ पे, और अभी इसकी हवा हवा निकालेंगे। तो हवा निकालेंगे और टायर को इसको बाहर निकालेंगे और फिर नया टायर डालेंगे। तो कभी खुल रहा है हमारा टायर, हवा निकाल दी है और अब ये जल्दी 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 से खोल के निकालेगा टायर को, बाहर बाहर फेंक देंगे इसको निकाल के, क्योंकि ये बाइक के साथ वाला ही टायर है, तो ऐसा ही नॉर्मल सा टायर, पता नहीं कौन सी कंपनी का, अभी मैंने उस टाइम तो देखा नहीं था कौन सी कंपनी का है, लेकिन अभी अच्छी कंपनी का डलवाएंगे तो काफ़ी टाइम तक चल जाएगा मेरा टायर। तो भाई ने निकाल दिया है ट्यूब बाहर और ये टायर को भी निकाल रहा है बाहर, तो अभी टायर निकाल देंगे बाहर और फिर हमारे नया टायर आ जाएगा और डालेंगे। तो अभी ये ट्यूब हमारा पुराने वाला ट्यूब है, जो इसमें मैंने डबल करके ट्यूब डाल दिए थे, एक ट्यूब की लेयर और डाल दी थी ऊपर, और पुराने गरीबों का यही हाल है। तो ये टायर है देखो कैसे कर रहा है, एकदम हाथों से ऐसे लिप लिप। तो अभी इस व्हील को साफ करेंगे क्योंकि ट्यूबलेस टायर है। तो ये है इसकी नलकियाँ, तो ये नलकी ये तो अच्छी नहीं है, ये हम जो स्टील की दिख रही है ये डालेंगे, क्योंकि ये दूसरी वाली है जो अच्छी नहीं, प्लास्टिक की है, इसमें से हवा लीक हो सकती है, लेकिन ये दूसरी वाली डालेंगे। और ये रेजमाल से हमारा भाई साहब यहाँ पे मूलचंद कर रहा है सफाई, तो यहाँ साफ सफाई करके अच्छे से डालेंगे, क्योंकि घर की बाइक है भाई, काम अच्छा होना चाहिए। तो काम बहुत अच्छा हो गया, और आप भी यहाँ लोकल हैं यहाँ के अलाइक के, तो आप भी यहाँ पे आके मूलचंद के पास टायर ट्यूब डलवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी शॉप है और लड़का भी बहुत अच्छा है। तो साफ सफाई हो रही है बहुत अच्छे से, और अभी टायर को हम डालेंगे। तो यहाँ से मतलब घिसाई इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ से हवा लीक ना हो जाए, इस कारण ये घिस के रेजमाल से अच्छे से साफ सफाई करके और फिर डालेंगे। तो ट्यूबलेस का प्रॉब्लम यही है कि साइड से लीक हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है।
तो ये बातों नहीं बहुत है, मतलब बातें बहुत करता है। तो यहाँ पे इसका कोई फ्रेंड आया हुआ है और इसके साथ ये बातें लग चुका है, तो हमारे काम भी हो रहा है और बातें भी हो रही है। करने दो इनको बातें, इसकी बात तो ये तो हम नहीं सुनेंगे, इसका दोस्त ही सुनेंगे, क्योंकि हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती भाई। तो ये जो दूसरी वाली पहले पजाके देखी ये नहीं आएगी, तो हम अभी वो स्टील वाली मैंने बोला था वही डालेंगे, तो ये स्टील वाली आ चुकी है, हम इसको ही डालेंगे। तो नलकी डाल देते हैं स्टील वाली और इसको नट टाइट कर देते हैं और फिर टायर को डाल देते हैं। तो आ चुका है हमारा टायर और टायर को अभी साफ सफाई होके अच्छे से डालेंगे। तो अभी टायर को डालते हैं हम डीप व्हील के अंदर। तो एक साइड से पहना दिया है और दूसरी साइड से अभी पहनाएंगे। तो पाउडर वाउडर डाल के अच्छे से क्रीम पाउडर लगा के फिर टायर को फिट करेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है बाइक चलाने में फिर टायर नया होगा। तो बंदा जल्दी जल्दी कर रहा है क्योंकि आज ग्राहक भी बहुत आ रहे हैं अमाउस है आज, तो अभी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करके तो हमारा टायर फिट कर देगा। अभी हो रही है हवा फुल, तो हवा फुल करके फिर बाइक में टायर को कस देंगे। तो हमारा टायर हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो अभी हम हवा को चेक कर लिया मूलचंद ने और अभी टायर को बाइक में बाहर आ गए हैं, तो बाहर आके टायर को अभी फिट करेंगे वापस। तो फिट करेंगे और फिर घूमेंगे थोड़ा बाजार में और फिर घर चले जाएंगे। तो अभी ये साफ़ सफाई करके, साफ़ सफाई अच्छे से क्लीन करके सब कुछ करता है, तो काम बड़ा अच्छा करता है। आप भी आ सकते हो यहाँ पर नज़दीकी हो तो सेवा का मौका ज़रूर देना, प्रचार करें फ्री में। तो ये अंदर से कुछ बाइक की शॉप ऐसी है अंदर से, तो यहाँ पे मैं अंदर खड़ा है और ये जनरेटर वनरेटर लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, ये पीछे मूलचंद बैठा है, मेंदर बैठा है, तो नाश्ता ले गए हैं, अभी हम करेंगे नाश्ता। तो ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो चलो आप भी नाश्ता कर लो, आ जाओ। तो यहाँ पे ब्रेड कोफ्ता लाया है और साथ में घेवर लाया है, सर्दी का मौसम है तो घेवर मिलते हैं अभी, तो लेके आया। और ये नहीं, इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया है खाना और मैं अभी देखो ये मेंदर की लार टपक रही है। तो ये अभी देखो कैसे बड़े बड़े पीस लेके खा रहा है, जल्दी जल्दी से जाने मैं सारे खा जाऊँगा खोज के। तो ये मूलचंद ठोकरिया है और मेंदर भी ठोकरिया, तो मैं भी खा लेता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय।